देश में फिल्मों के लिए कई पुरस्कार समारोह आयोजित होते हैं, लेकिन भारतीय फिल्मी दुनिया की नजर यदि किसी पुरस्कार पर होती है तो वो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। पिछले साल स्वास्थ्य मुसीबत के चलते राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह किसी को नहीं दिए गए थे, लेकिन इस बार सरकार की ओर से इन पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। तो किस फिल्म को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड और किसके हिस्से आए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार, देखिए ये रिपोर्ट। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। पिछले साल स्वास्थ्य मुसीबत के चलते ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे। मार्च के बाद से तो पर्दे पर फिल्में भी रिलीज नहीं हुई थी। कुछ फिल्में आई जरूर, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर। अब फिल्मी पर्दा उठ चुका है। इसके साथ ही सरकार की ओर से आज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान भी कर दिया गया है। इस साल सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार छिछोरे को चुना गया है। बॉक्स ऑफिस पर नितेश तिवारी के निर्देश में बनी इस फिल्म को बेहद पसंद किया गया था। मनोज बाजपेयी को फिल्म भोंसले और धनुष असुरन फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाएगा। कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए विजय सेतुपति को फिल्म सुपर डीलक्स के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार पल्लवी जोशी को द ताशकंद फाइल्स के लिए, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार सावनी रविंद्र को मराठी फिल्म बारदो के गाने राड पटोले के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार बीप्राक को फिल्म केसरी के गाने तेरी मिट्टी के लिए, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार डेविड अटेनबरो को वाइल्ड कर्नाटक के लिए, बेस्ट फिल्म क्रिटिक का पुरस्कार सोहिनी चट्टोपाध्याय को, बेस्ट बुक इन सिनेमा का पुरस्कार PR रामदासा नायडू को प्रभाव के लिए, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार सिक्किम को, बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार संजय पूरण सिंह चौहान को फिल्म 72 हुरे के लिए, बेस्ट एडिटिंग के लिए तेलुगु फिल्म जर्सी को और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए जलीकट्टू को चुना गया है। इस साल कुल 461 फीचर फिल्मों ने राष्ट्रीय पुरस्कारों के दावेदारी की थी। इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक सर्टिफाइड की गई फिल्मों को पुरस्कार वितरण के लिए एंट्री दी गई थी। पुरस्कारों के लिए आखिरी एंट्री 17 फरवरी 2020 तक ही रखी गई थी।